राजनगर सेक्टर 5 के लग्जरी फ्लोर 800 गज में बने हुए हैं और कंस्ट्रक्शन इनका बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही लेविश स्टाइल राजनगर एक पॉश कॉलोनी है गाजियाबाद की। तो देखेंगे किस तरीके के ये फ्लोर बने हुए हैं आज। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक स्टेयर्स दिया है बाहर से। अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं यानी कि तीसरी मंजिल लेते हैं तो उसके लिए इन्होंने साइड से भी एक इतना सुंदर स्टेयर केस दिया है। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए वॉल्स पे किस तरीके का इन्होंने टेक्सचर किया है। ये हम बिल्डिंग की एंट्री पर हैं। यहाँ से देखिए हम बाहर से आए हैं और इधर हमने एंटर किए हैं। तो यहाँ पर स्पेशल ये ध्यान रखा गया है क्वालिटी का। यहाँ पे पैनल लगाए हुए हैं आउटर में। लिफ्ट देखिए इस तरीके से यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। सुंदरता का और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर स्टेयर्स पे चलते हैं हम। एक एक चीज नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज सुंदरता के साथ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना एक सुंदर क्यूट सा लॉक दिया है इन्होंने। और ये देखिए तो दो बिल्डिंग बनी हुई है बराबर बराबर में। सामने ये देख रहे हैं ये छोटी सी बालकनी दी है फर्स्ट फ्लोर के लिए और छोटी बालकनी है टॉप फ्लोर पे। तो अगर आप ग्रेविटी एलिवेटर्स के एलिवेटर लगा हुआ है यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। देखते ही पसंद आने वाला फ्लोर है ये। LNT के स्विच गियर लगाए हुए हैं। अभी मैं टॉप फ्लोर पर हूँ। देखिए ये बालकनी। चलेंगे अब हम फ्लोर के अंदर। यहाँ से मैंने इसको ओपन करा है। कितना सुंदर हैंडल है। ये आउटर में इन्होंने यहाँ पे जाली का दरवाज़ा दिया है और देखिए सेफ्टी का भी विशेष ध्यान रखा है कि यहाँ पर इन्होंने ये लोहा लगाया है। हालांकि ये सेफ है और ये इसकी चटकनी देखिए रोज गोल्ड में है। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। चौखट या 8 फुट की हैं जिनको डोर फ्रेम बोलते हैं। इसका व्यू देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। ये किचन, किचन का अगर हम एंटर करते हैं किचन में तो बहुत ही स्पेशियस। देखिए किचन एक मेन जगह होती है जहाँ पर हमको स्पेस मिल जाता है तो हमें काफ़ी सुविधा होती है। बहुत बड़ी किचन है। किचन में इन्होंने ये ग्लास लगाया है, टफन ग्लास लगे हुए हैं। चिमनी हिंदवेयर की लगी हुई है। टाइल्स, अब देखिए यहां पे जैगुआर की फिटिंग लगाई है इन्होंने। एक से एक सुंदर चीजें लगी हुई हैं यहां पर किचन में। इन्होंने समरसेबल का पंप का ये बटन दिया है। ये पेंट्री, सेंचुरी की पेंट्री लगी हुई है। देखेंगे डोर का डिजाइन। यहां पर स्मार्ट लॉक लगा हुआ है। ये आपका LED पैनल है। डबल हाइट की लॉबी है, बहुत ही सुंदर। यहां पर पाइन की इन्होंने ये सीलिंग बनाई है। पाइन वुड होती है उसकी सीलिंग है। स्टेयरकेस देखिए, अतुल्य सुंदरता। ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं हिल स्टेशन पे आ गए हैं। इस वक्त मैं लॉबी में हूं और ये देखिए वॉश बेसिन। पूरे ही फ्लोर में बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। देखिए अभी लाइट कहीं भी नहीं जल रही है और लाइट नहीं जल रही है फिर भी बहुत अच्छी रोशनी यहां पर। वेंटिलेशन और रोशनी ये चीज बहुत जरूरी होती है किसी भी फ्लोर के लिए।
सीलिंग देखिए रूम की, रूम का साइज बहुत बड़ा है, रोज गोल्ड कलर के हैंडल, मैं आउटर में आ गया हूं बिल्कुल। देखिए रूम से जब हम एंटर होते हैं तो एक यहां पर बाथरूम है और बाथरूम के साथ में यहां पर इन्होंने ये शावर की जगह दी है और फिर यहां पर एक चेंजिंग रूम अंदर ही दिया है कि आप अंदर ही चेंज करके आ सकते हैं। चेंजिंग रूम है जो कि दूसरे रूम से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये हैंडल्स मेरे को बहुत ही पसंद आए हैं, इसको प्रोफाइल बोलते हैं। ग्लास वर्क इतना सुंदर, फ्लोर शायद आप खुद भी बनाए तो ना बना पाए। ये अब मैं दूसरे रूम में आ गया हूं। देखिए ये जो बाथरूम है के साथ में ये रूम था, ये दूसरे रूम से अटैच्ड है। अभी फिर हम लॉबी में आ गए हैं, लॉबी के साथ में हमें ये जगह मिलती है। ये एलईडी पैनल के बराबर में ये रूम है, ये पूजा रूम दिख रहा है मेरे को। फिर एक और रूम दिखता है यहां पर, इसके साथ में भी अटैच्ड। देखिए रूम के साथ में पहले चेंजिंग रूम दिया गया है, इसमें भी यहां पर अलमीराज दी गई हैं, आप अपने कपड़े लगा सकते हैं यहां पे। जैगवार की फिटिंग लगाई गई है। अच्छा इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल ये राजनगर सेक्टर 10 के पास में है, इजीली एसेसिबल है, मार्केट बहुत पास में है इसके। एक और रूम देखिए, अभी हम सीलिंग देखते हैं कितनी सुंदर सीलिंग है ये, और फ्लोर अभी रेडी फ्लोर हो चुका है लेकिन कवरिंग करी गई है जिससे गंदा ना हो। इस रूम के साथ में एक छोटा रूम और दिया है यहां पर और ये बाथरूम। इतने सारे रूम्स हैं कि गिनती करना भी मुश्किल हो रहा है। एक रूम, दो, फिर हम देखते हैं ये तीन, एक चार, पांच, छह, छह तो मैं गिन पाया हूं। ये पीछे जाने का रास्ता है इधर से, यहाँ इस रूम से भी हर रूम से टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। ये लैमिनेट का कॉम्बिनेशन, सब अलग अलग लैमिनेट दिया गया है अलग अलग कलर का। अगर आप फ्लोर परचेज करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। इवन राजनगर में आप कोई भी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके ऊपर, देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये विला टाइप बनाया है, टॉप फ्लोर जैसे डुप्लेक्स बनाते हैं उस तरीके से। देखिए यहाँ पे भी लकड़ी लगाई गई है। एक छोटी किचन यहाँ पर भी है। ये वुड देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।
एक और यहाँ पर अटैच बाथरूम दिया है इसके साथ में। और अब हम जा रहे हैं छत पर। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है राजनगर का। ये ऊपर हट टाइप बनाया है यहाँ पे इन्होंने। और देखिए कितनी बड़ी छत है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टॉप फ्लोर का। और छत पे भी इन्होंने बहुत ही क्लासिक वर्क किया है। एक बहुत बड़ी पार्टी भी आप अरेंज कर सकते हैं इस छत पर। और साथ में कोशिश ये भी करेंगे कि इसके आसपास का एरिया कैसा है। बहुत ही सुंदर एरिया है। सेक्टर 10 मार्केट बिल्कुल पास में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ भी देखिए दो नल दी गई हैं अगर ऊपर पानी की ज़रूरत पड़े। वुड के ऊपर पॉलिश भी करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुड लगा दी है। कहीं पर भी कॉस्ट बचाने का प्लान नहीं किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि बिडिंग पीओपी करी है, बिडिंग लगाई गई है वॉल पे। इसमें हमें डिफरेंट टाइप के थोड़े हैंडल दिख रहे हैं। ये अभी तक पूरा हम एक ही फ्लोर देख रहे हैं। देखिए यहां पे भी लाइट, ये पूरा मिरर। ये वुड है। किचन, देखिए लिफ्ट आ रही है। अभी लिफ्ट का भी एक्सपीरियंस लेंगे कि किस तरीके की लिफ्ट है ये। लिफ्ट ओपन हो गई है, मैंने लिफ्ट में एंट्री ले ली है। और यहां से मैं प्रेस करता हूं ग्राउंड फ्लोर। ये दो प्लॉट अलग अलग हैं और दोनों में ही सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, बराबर बराबर। बीच में ये पार्टीशन दिया गया है और बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पे पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं है। आपकी दो तीन जितनी भी चार गाड़ियाँ कितनी भी हो, बहुत सारा स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे। और ये जो टॉप फ्लोर है, मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि देखिए इसमें मल्टीपल हमारे को सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि हमारे को ऊपर की मंजिल भी एक और मिल जाती है जो कि हट टाइप बना हुआ है। और ये स्टेयर केस भी टॉप फ्लोर से पीछे अगर जाना है तो अलग के अलग यहाँ से भी इसका स्टेयर्स दिया गया है। सामने भी फ्रंट में बहुत जगह है पार्किंग की। और यहाँ से फ्रंट से भी एक गेट है अगर आप ग्राउंड लेते हैं। अब देखिए इस बिल्डिंग के सामने बहुत सारा स्पेस हमें मिलता है, मीन्स सड़क बहुत चौड़ी है। तो सुपर लग्जरी फ्लोर खरीदने का आपके पास एक मौका है आज। लेकिन प्राइसेस राजनगर, क्योंकि एक बहुत पॉश कॉलोनी है इस वक्त, कॉलोनी है इस वक्त बहुत अच्छी, तो इस वक्त प्राइसेस बहुत ऊपर हो गए हैं यहाँ पर। एक बार आउटर से भी हम इसका व्यू देख लेते हैं दोनों बिल्डिंग्स का। और सीधे सड़क जा रही है सेक्टर 10 की तरफ। अगर आप ये फ्लोर खरीदना चाहते हैं और आपको आसपास क्या क्या यहाँ पर मिलेगा, देखिए ये आसपास का एरिया है। पास में मॉडर्न स्कूल है। और अभी हम चल रहे हैं सेक्टर 10 की तरफ। यहाँ पर सोम बाजार लगता है,
ये रामलीला ग्राउंड है, देखिए सेक्टर 10 का मार्केट, वॉकेबल डिस्टेंस है, दूर दूर से लोग सेक्टर 10 में आते हैं। एक ये नई शॉप खुली है यहाँ पर, ये मोर स्टोर है, और यहाँ का एक अट्रैक्शन है सेंट्रल पार्क, वो भी वॉकेबल डिस्टेंस पे है। ये देखिए ओम स्वीट्स, अरुण चाट भंडार बहुत ही पास में, ये है मेन मार्केट यहाँ का। तो देखिए आप कहीं भी फ्लैट फ्लोर कुछ भी लेते हैं तो वहाँ पर आप ये सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपको सुविधा मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं जंगल में आपने कोई फ्लोर या फ्लैट परचेज कर लिया। स्कूल्स यहाँ पर बहुत पास में हैं, अच्छी कोचिंग्स मिल जाती हैं आपको। मैं फ्लोर के आसपास का एरिया दिखा रहा हूँ, ये परिवर्तन स्कूल वाली सड़क है। जैसा कि मैंने कहा सेंट्रल पार्क यहाँ से बहुत पास में पड़ता है, और RDC राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी इन फ्लोर्स के बहुत पास में है। आपको पूरे गाजियाबाद में कहीं पर भी कोई प्लॉट फ्लैट या कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी खरीदना चाहते हैं आप, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा उसमें आपको फ़ोन नंबर मेरा मिल जाएगा।